एंड मनसुख मांडविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। देखिए, न्यूज़ 18 की तो ये पहल है जो हमारे बहुत करीब है, लेकिन अगर फेडरल बैंक, श्याम श्रीनिवासन जी हैं, टाटा ट्रस्ट से सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, नोवार्टिस हमारे साथ जुड़ा है, अगर ये सब नहीं जुड़ते तो शायद ये मुहिम जिस पहल और जिस लेवल पर हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि और लोगों को भी ऐसे कॉजेस से जुड़ना चाहिए? अवश्य जुड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये केवल इवेंट नहीं है, ये इट इज वन पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा, ये देश के एजेंडा का एक पार्ट है। मैंने मेरी बात में बताया कि हमें देश के प्रति सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यहां कोई अच्छा सुझाव दे देंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। यहां कोई हमारी कमियां को दिखा के उजागर करके हमारे सामने लाएंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। देश हम सबका है, स्वास्थ्य ये शायद व्यवस्था की दृष्टि से सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें सहयोगी होना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इस साझा जिम्मेवारी से ही हम कोविड क्राइसिस के सामने लड़ पाए। आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस के दरमियान हर व्यवस्था के साथ जनता को जोड़ी और काम जनता ने किया, आउटपुट देश को मिला। बहुत सही कहा आपने। मंत्री जी, श्याम श्रीनिवासन जी थोड़ी देर पहले जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा हमारे इस कैंपेन का ध्येय ही टेस्टिंग और डिटेक्शन है, कि अवेयरनेस बढ़ाएं कि आप कैंसर के लिए टेस्टिंग करिए और डिटेक्शन करिए। उनकी एक ड्रीम है कि वो एक ऐसा AI रूपी कुछ यंत्र बनाना चाहते हैं जो रूरल लेवल पर डिटेक्शन में मदद करे। आपको लगता है कि किसी तरह से ये मुहिम सरकार के साथ जुड़कर रूरल लेवल पर, गांव में जहां पर डिटेक्शन और ट्रैकिंग में मदद कर सकती है? अवश्य कर सकती है। और देखो, आज जो मैंने आपको इंडिया के हेल्थ मॉडल की बात की, हमारा मॉडल दुनिया के मॉडल से कैसे अलग है? एक बार एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के CEO इंडियन थे, वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, आपके हमारे कंट्री में, इंडिया में, वो मल्टीनेशनल कंपनी के CEO थे, वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा GDP का 1.5% खर्च ही हेल्थ के पीछे होता है। उन्होंने कहा कि USA में 6% होता है, इटली में 7% होता है, ब्रिटेन में इतने परसेंट होता है। उन्होंने अपने 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 परसेंटेज की बात कही और उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी अपने GDP का खर्च हेल्थ के पीछे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने उसको रिप्लाई देते हुए कहा कि हमने हेल्थ पॉलिसी बनाई है और हमने लक्ष्य रखा है कि हम 10 साल में, 5 साल चले गए, 5 साल में और 5 साल में हम उसको 2.5% तक ले जाएंगे और आगे भविष्य में हम उसके ऊपर काम करते जाएंगे। और बाद में मैंने उसको कहा कि उसका 7% होगा, किसी का 6% होगा, वहां का मॉडल और इंडिया का मॉडल में फर्क है। फर्क ये है, आज इंडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा, कोई टाउन ऐसा नहीं होगा, कोई सिटी ऐसा नहीं होगा जहां चैरिटी से चलने वाली अस्पताल ना हो। हमारी सोसाइटी हेल्थ के लिए जिम्मेवारी उठाती है। अरे, हमारे यहां एम्स या तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, टाटा इंस्टीट्यूट का नाम इतना बड़ा बना हुआ है, वहां से कोई बड़वे साहब कल प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर दे और एक कंसल्टेशन का वो 10,000 फीस रखे तो 10,000 फीस दे के उसके पास पेशेंट आएगा। लेकिन मैंने ऐसे कई डॉक्टर देखे हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ा नाम होने के बाद भी वो इंस्टीट्यूट छोड़ी हो और बाद में 100 रुपीज में अपनी सेवा देते हो, 100 रुपीज में कंसल्टिंग चार्ज देते, ये भी टोकन के रूप में। ऐसी कई हॉस्पिटल में वो जाएंगे फ्री अपनी सेवाएं देने के लिए। ये हमारा मॉडल है, इसलिए यहां हेल्थ केयर अफोर्डेबल है। आधा खर्च सरकार के सापेक्ष में हमारी जनता ही उठा लेती है, चैरिटी हॉस्पिटल, NGO के द्वारा चलने वाले हॉस्पिटल, कोई फैमिली ट्रस्ट बना के अस्पताल चलाते हैं। अरे, कोई कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो,
देखना सीएसआर फंड आज अच्छी तरह से यूज करने वाले लोगों को सीएसआर फंड बहुत उदारता से मिल रहा है। यह हमारा मॉडल है। इसलिए पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर में ये हमारा नेचर में है, हमारा स्वभाव में है, और मैं मानता हूं कि किसी के पास भी ऐसा पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल हो। मैं एक सामान्य एग्जांपल दूं आपको, जब लास्ट प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने केवल आह्वान किया था, एक सभी इंडस्ट्रीज के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की, और मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि हम 2025 अंत तक देश को टीबी मुक्त करना चाहते हैं, क्या हम निक्षय मित्र बने और टीबी पेशेंट को गोद ले? और उसके लिए मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 15 दिन में 1 लाख से अधिक लोग निक्षय मित्र बनके 12 लाख पेशेंट को गोद ले लिया। क्या बात। और उसको रेगुलर फोटो भेजते हैं कार्यक्रम में, सोशल मीडिया में ट्रैक करता हूं तो पता चलता है, रेगुलर 1000 रुपये की न्यूट्रिएंट फूड की किट उसको पहुंचाते हैं। ऑफिसर लोगों ने गोद लिया, एनजीओ ने गोद लिया, मल्टीनेशनल हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने गोद लिया, प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों ने गोद लिया, जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया, और एक मुहिम जनता ने उठा ली। तो ऐसा कोई भी प्रयोग आपके कोई भी लोगों के मन में आइडिया आए सरकार के साथ शेयर करना चाहिए, और सामूहिकता से पब्लिक पार्टनरशिप से हमें देश के डिसीज को एड्रेस करने के लिए कोई मुहिम चलानी हो तो चलानी चाहिए। आरंभ प्रचंड है लेकिन ये अभी काम अधूरा है, इस पर हम बहुत कुछ काम करने वाले हैं। ये आपसे वादा है कि आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे। मनसुख मांडविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर। एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये कैंसर का एक छोटा सा आप पे पिन लगाना चाहता हूं, जो हम सब ने यहाँ यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर के लिए